हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल भावना क्रिएशंस। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। हमें चाहिए शादी का कार्ड और दो चूड़ियाँ। कार्ड तो सभी के घर पर मिल जाते हैं। अगर आपके पास ऐसी चूड़ियाँ नहीं हैं तो घर पर पड़ी पुरानी चूड़ियों को ऊन से या किसी भी धागे से कवर कर सकते हैं। अब हमें शादी के कार्ड से दो सर्कल कट करने हैं। जैसे जैसे फेस्टिवल करीब आ रहे हैं वैसे ही फेस्टिवल वाइब्स आने शुरू हो जाती है। फेस्टिवल्स की एक अपनी ही अलग खुशी होती है। हमें लगता है कुछ नया बनाएं इस त्यौहार घर की सुंदरता में चार चांद लगाने के लिए। हमने सर्कल कट कर लिए हैं। चूड़ियों को ग्लूगम की हेल्प से इसे सर्कल पर पेस्ट कर देंगे। आप चाहें तो कोई भी स्ट्रॉन्ग ग्लू ले सकते हैं। चलो अब इसे डेकोरेट करते हैं अपने तरीके से। मैं तो यहाँ फ्लावर्स की हेल्प से डेकोरेट कर रही हूँ। आपको जो अच्छा लगे आप उससे डेकोरेट कर सकते हैं। हम इसके हाफ पार्ट तक ही फ्लावर्स लगाएंगे। तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। अब इसके अंदर हमें पेस्ट करना है शुभ और लाभ। ये शुभ लाभ मैंने लोकल मार्केट से ही परचेज किए हैं। बहुत ही प्यारे शुभ लाभ हैं। इन्हें हैंग करने के लिए मैंने गोल्डन गोटे का यूज किया है और इसे थिक करने के लिए इस पर एक छोटा सा पीस कार्ड का पेस्ट कर देंगे। अब बारी आती है टेसल्स बनाने की। तो हमें चाहिए कुछ बीट्स और पोम। मैंने वाइट बीट्स का यूज़ किया है। हमें टोटल 3 टेसल्स बनाने हैं। तो उसके लिए चाहिए हमें एक थ्रेड। तो थ्रेड के अंदर हम एक बीट्स इंसर्ट करेंगे और फिर उसमें हम नॉट लगा देंगे। फिर एक पोम इंसर्ट करेंगे और कुछ बीट्स। इस तरह हमारी टेसल्स रेडी हो जाएंगी। फिर इन्हें पेस्ट कर देंगे तो हमारा DIY रेडी हो जाएगा। हमारा शुभ लाभ तैयार है। तो कैसा लगा आपको हमारा शुभ लाभ, कमेंट में जरूर बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की ओर। हमें चाहिए चक्री वाली बैंगल्स। आप चाहे तो इन्हें घर पर भी बना सकते हैं। तो हम पहले इसके लिए लटकन तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने मेटल की बेल्स ली हैं। बेल्स को थ्रेड की हेल्प से नॉट कर देंगे। फिर इसमें पॉम इंसर्ट करेंगे एंड देन 1 गोल्डन बीड्स एंड 2 वाइट बीड्स एंड देन गोल्डन बीड्स। फिर एक पॉम इंसर्ट करेंगे। फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस तरह हमारी लटकन तैयार हो जाएंगी। अब लटकन को हमें बैंगल्स में नोट करना है। बड़ी वाली लटकन को हम बीच में नोट करेंगे और दोनों छोटी लटकन को बड़ी लटकन के लेफ्ट और राइट नोट कर देंगे। ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। तो बात आती है इसे हैंग करने की। तो इसके लिए हम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेंगे जैसे हमने लटकन बनाई थी। बस हमें बेल नहीं लगानी है। तो हमें एक पॉम लेना है। फिर से हमें बीट्स लगानी है और फिर एक पॉम लेना है। Thank you.
इसे हैंग करने के लिए हमें चाहिए मेटल वाले रिंग्स, तो हम इसमें मेटल वाले रिंग को अच्छे से नोट कर देंगे। अब हमें चाहिए शुभ लाभ, इन्हें हम ग्लू गम की हेल्प से इसके मिडल में पेस्ट कर देंगे। तैयार है हमारे शुभ लाभ इस त्योहार घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए। कमेंट में जरूर बताना कैसे लगे। जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।